आखिर तमीज नहीं है आपको, तरीका क्या है, अंदर कैसे आए हैं आप? सफिया के साथ सुंबल की जिंदगी से जाया ही हो रही थी। इंटरेस्टेड नहीं। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ उसकी जमीनों पर कैसे काम कर सकते हो? बात यह कि अम्मा ने फैसला कर लिया है और तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ कहा था तुमसे मैंने? तुमने की नूरबानो से? अच्छा है कि सफिया के नाम के आगे से सुंबल का नाम हट गया। जब तक सुंबल से मिली नहीं थी मुझे से बहुत नफरत थी, लेकिन जब मिली तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। गुजर गया। नूरबानो ने तुम्हारे चचा की जमीनें तुम्हारे हवाले कर दी हैं? नूरजहां से जब तक मुराद नाराज था और नूरजहां से बात नहीं करता था तो नूरजहां की हिम्मत नहीं थी उसे कुछ कहने की, मगर अब वो मुराद पर फिर से अपना हक जताने लगी है और मुराद से पूछती है कि नूरबानो ने अपने बाबा की जमीनें तुम्हारे हवाले कर दी हैं? तो मुराद कहता है कि जी मामा, मगर आपको तो मालूम है मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। नूरजहां फौरन ही अपने मुद्दे पर आ जाती है और मुराद से कहती है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर किस तरह के बाग की जमीनें संभाल रहे हो, फरिंदा तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठाओगे और नूरबानो से भी कह दो साफ साफ। सफीर, जिसे अब घर का बड़ा मोतबर समझा जा रहा है, वो भी बीच में बोल ही पड़ता है और मुराद को समझाने लग जाता है कि तुम्हें नूरू मामा का हर हुक्म बजा लाना चाहिए। सफीना नूरबानो से कहती है कि सुंबुल के साथ सफीर का नाम जब तक जुड़ा था उसकी जिंदगी जाया ही हो रही थी, अच्छा ही है वो अजाल हो गई सफीर की कैद से। दूसरी तरफ माहा भी नूरजहां से कहती है कि मैं जब तक सुंबुल से मिली नहीं थी मुझे इससे बहुत ही हसद जलन महसूस होती थी, मगर जब कि मैं उसे देख चुकी हूँ मुझे इस पर बेहद तरस आता है। नूरजहां अपना हुक्म मुराद पर सादर करके मुराद को नूरबानो के सामने खड़ा कर ही देगी और इससे पूछेगी कि मैं तुमसे जो कहा था वो तुमने नूरबानो से कह दिया कि नहीं? मुराद बेचारा अब मजबूर लाचार खड़ा है कि वो करे तो करे क्या, एक तरफ बीबी और एक तरफ माँ।